हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल रेडिएंट रविकांत। दोस्तों, अनलॉक की प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है और देश के काफ़ी सारे पार्ट से लॉकडाउन हटा दिया गया है, बट अभी भी ट्रैवलिंग करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो अभी मैंने काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं बनाए हैं और करीब 2 महीने बाद मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन इस लॉकडाउन के पहले मार्च के स्टार्टिंग में मैं गया था ओरछा और झांसी। सो वहाँ की एक वीडियो सीरीज़ है जो आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। 3 वीडियोस की सीरीज़ रहेगी। सो फर्स्ट वीडियो में हम चलते हैं ओरछा और वहाँ पे करते हैं राम राजा के दर्शन, प्लस चतुर्भुज मंदिर और भी काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सो वहाँ घूमेंगे। सो चलते हैं ओरछा। सो ये आ गई है मेरी बस और यहाँ से जाऊँगा मैं भोपाल। भोपाल से फिर मेरी ट्रेन है, वहाँ से जाना होगा झांसी। रात के 2 और यह है भोपाल स्टेशन का नज़ारा। मेरी ट्रेन लेट है 15 मिनट से, तो अभी 2:30 बजे तक आएगी ट्रेन। इट वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव एट अराउंड 2:15, नाउ इट अराइव एट 2:36, सो आई टू वेट फॉर मोर फॉर 20 मिनट्स मोर। सो देखते हैं ट्रेन आएगी और फिर हम जाएंगे। देखिए रात में 2 बजे का नज़ारा है। और ये मेरी ट्रेन आ गई है, अब हम बैठेंगे और लेंगे सफ़र का आनंद। सो गुड मॉर्निंग, अब मैं आ गया हूँ ओरछा और आपको पीछे दिख रहा होगा ओरछा की मंदिर की छतरी। यह है राम राजा मंदिर का पीछे का एरिया, मेरा होम स्टे है। यहाँ पर मैंने श्रीराम होम स्टे में यहाँ पे बुक किया हुआ था, तो सुबह से इनके स्टे काफ़ी अच्छा है। और अब चलते हैं राम राजा मंदिर। ओरछा भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा राम के रूप में पूजा जाता है या माना जाता है, और यहाँ बाकायदा प्रशासन की तरफ से प्रतिदिन गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। इस मंदिर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसको बने हुए 500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इस मंदिर को बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यहाँ की रानी गणेशी बाई को सपने में भगवान रामचंद्र जी आए। रानी ने भगवान से प्रार्थना की कि वो यहाँ पर आकर बिराजें, लेकिन भगवान ने भी उनसे शर्त रख दी कि मैं यहाँ पर केवल राजा के रूप में आऊँगा और यहाँ के राजा को बाहर जाना होगा। और तब से भगवान की मूर्ति की स्थापना इस महल में, जो कि अब मंदिर में परिवर्तित हो गया है, में की गई। और अभी आ गया हूँ मैं चतुर्भुज मंदिर। ये एक जो है ओरछा में वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेस है। यहाँ से ओरछा का काफ़ी एरिया कवर होता है। यहाँ से पीछे साइड आप देख सकते हैं जो यहाँ का पैलेस है, ओरछा पैलेस, वो दिखाई दे रहा है पीछे। नीचे साइड मार्केट है। ये चतुर्भुज मंदिर हम बहुत शानदार इसकी वास्तुकला है। आप देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये मेहराबें बनी हुई हैं। इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई पहली बार आया है तो भूल जाएगा। ये एक्सपर्ट हैं, ये राजा की दासी भी अच्छी थी, यहाँ फूल बरसाने के लिए। ये देखिए सामने से मंदिर है और राजा की दासी यहाँ से फूल बरसाने के लिए बैठा करती थी। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा मधुकर शाह ने इस प्रकार करवाया था कि जो सामने ये उनका महल दिख रहा है वहाँ से उनके दर्शन सीधे सीधे हो जाएं, लेकिन भगवान पहले से ही उनके महल में विराजमान हो गए थे, इसलिए उनको कभी भी इस मंदिर में नहीं लाया जा सका। और सामने जो स्तंभ दिखाई दे रहे हैं उनको सावन भादों के स्तंभ कहा जाता है, जो कि सावन भादों के महीने में मिल जाते थे, आपस में जुड़ जाते थे। और ये जो पहले महल था उसमें भगवान राम स्थापित हो गए और उसके बाद से ही ये मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। ये हमारे गाइड श्री बलिराम जी, और ये बहुत अच्छे से हमें गाइड करके और दिखा रहे हैं कि आसपास के मंदिर और
जो आसपास के महल के लिए बनाए गए थे। ये चतुर्भुज मंदिर पे हम लोग ऊपर साइड हैं और यहाँ से ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो है लक्ष्मी मंदिर। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक प्लेस ऑफ ओरछा, फ्रॉम वेयर वी कैन सी होल ओरछा। ये सामने से बेतवा नदी दिखाई दे रही है और ये जो है वो जहांगीर पैलेस और राजा महल है। इस मंदिर का निर्माण भी जो है इंडो इस्लामिक पद्धति से किया गया है, जैसा कि आप ये गुंबद को देख के पता चल रहा है। इस विशाल चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मात्र 9 माह में किया गया था और इसके बाद फिर भगवान कभी भी यहाँ पर नहीं आए। करीब 12 साल पहले यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई और पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। मंदिर के दर्शन में काफ़ी टाइम हो गया है और हम अपना लंच भी करना अभी रह गया है और शाम को ओरछा उत्सव है तो हमें वहाँ भी जाना है और कुछ आराम करके अब शाम को ओरछा उत्सव में मिलेंगे। इवेंट के लास्ट में ये छोटे छोटे सैंडिलियर्स छोड़े जा रहे हैं जो कि आसमान में जाकर छोटे छोटे दियों की भांति चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं और हम जाएंगे अपने होटल की तरफ आराम करके फिर सुबह फिर से घूमने के लिए निकलेंगे। राजा पैलेस, जहांगीर महल और भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जो कि अभी घूमने बाकी हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।